हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज यानी मैम एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों से आप स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि मैम सेंटेंस अरेंजमेंट करवाइए। सेंटेंस अरेंजमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है एग्जाम में, कुछ ऐसा बताइए जिससे सेंटेंस अरेंजमेंट कम समय में एग्जाम में हो जाए, ठीक है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए लो आपका विश पूरा हो गया कि विश सेंटेंस अरेंजमेंट का सेशंस करेंगे। एंड सेंटेंस अरेंजमेंट घर पर ही बहुत अच्छे से होमवर्क करके जाना है ताकि एग्जाम्स में टाइम नहीं लेना है, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, ऐसा कुछ करना है ना, और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि पूरा बैठ के कहानी बना रहे, ठीक है। पूरा बैठ के कहानी हम बना रहे, इसके बाद ये हुआ होगा, उसके बाद ये लिंक होगा, फटाफट कुछ ट्रिक्स लगाना है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स वगैरह यूज़ करना है जिससे काम आपका फटाफट हो जाए। और सेंटेंस अरेंजमेंट बनाते समय, सेंटेंस अरेंजमेंट का बहुत सारा वेराइटीज़ है। CDS में अलग टाइप का आता है, फर्स्ट सेंटेंस दे देते हैं, लास्ट दे देते हैं, ठीक है। S1 और S6 दिया रहता है, बीच का 4 अरेंज करना होता है। बैंकिंग का अलग है, SSC में PQRS है, अलग है, सबका अलग अलग है। बट ठीक है, एक बार आप सीख जाते हो ना तो यू आर रेडी, जिस टाइप का भी पूछे यू आर एबल टू डू। ऑप्शंस देखो, PQRR, दो ऑप्शन R से, ठीक है। दो ऑप्शन R से है, एक P से है और एक Q से। ऑप्शंस देखिए, अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ये देखो, बट से तो सेंटेंस कभी भी पहला सेंटेंस बट नहीं होगा ना। और ही क्या है, ही प्रोनाउन है, बट ही हैड, ये ही किसी व्यक्ति के लिए लगा है ना। ये किसके लिए लगा है, मोहनलाल इज अ नाउन, और सेंटेंस में पहले नाउन आएगा उसी के बाद तो प्रोनाउन आएगा ना। ऐसा थोड़ी होता है, पहले सर्वनाम फिर संज्ञा, पहले आप नाउन डालते हो फिर प्रोनाउन। तो पी तो हमारा होगा नहीं, हमने पी को हटा दिया। अब फिर देख लो, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट, फिर से ये उसकी पहली विजिट थी, फिर से यहाँ पे ही आ गया, प्रोनाउन आ गया, क्यू भी नहीं होगा, ये भी हटा दिया। अब आपका इतना तो डिसाइड हो गया ना कि हमारा पहला ऑप्शन आर से होगा। सेंटेंस देखिए, आर एक जगह आर के बाद एस है इसमें, और एक जगह आर के बाद क्यू है। इतना तो कन्फर्म हो गया कि हमारा पहला सेंटेंस आर। मोहनलाल का ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। मोहनलाल का ट्रेन लेट था और कोलकाता पहुंचा मिडनाइट, लिटिल आफ्टर मिडनाइट। अब आपको देखना है कि ये आर तो कन्फर्म है, आर के बाद एस होगा या आर के बाद क्यू होगा। सेंटेंस देखो, आर के बाद एस होगा या आर के बाद क्यू होगा। अच्छे से सेंटेंस देखिए, देखो मुझे लिंक करना होगा ना मोहनलाल का, क्योंकि आपके दिमाग में जा सकता है कि मोहनलाल का ट्रेन लेट था और वो कोलकाता आधे रात के बाद पहुंचा। अब आप बोलोगे एस भी हो सकता है, वो आधे रात को ही थॉट दैट ही वुड गो टू अ चोल्ट्री। चोल्ट्री का मतलब होता है धर्मशाला। ही वुड गो टू अ धर्मशाला वेर ही कुड, जिस जहाँ उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा। फिर आप क्यू भी बोल सकते हो, इट वॉज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो। देखो मैं कैसे लिंक कर रही हूँ, द सिटी, ये द सिटी किसके लिए बोला गया, कोलकाता के लिए, ठीक है। कोलकाता के लिए द सिटी बोला होगा, इसका मतलब है कि आर के बाद क्यू होगा। क्यों, और भी मैं लिंक कर रही हूँ, आर के बाद क्यों क्यू होगा। मोहनलाल का ट्रेन वॉज लेट एंड इट रीच्ड कोलकाता, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है उसकी पहली विजिट थी, किसकी विजिट, मोहनलाल की पहली विजिट थी टू द सिटी, कौन सा सिटी, कोलकाता। कोलकाता के लिए सिटी यूज़ किया। एक तो ये भी हो गया कि आर के बाद क्यू हुआ, क्यों मतलब क्यू ही होगा। और दूसरा मुझे ये बोलना है, देखो ही थॉट ही वुड गो टू अ चोल्ट्री, कि वो एक धर्मशाला जाएगा जहाँ उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा। और फिर देखो यहाँ वन लगा, ये वन प्रोनाउन है। वो सोचा कि वो धर्मशाला जाएगा जहाँ उसको रेंट नहीं देना पड़ेगा। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन, मैं कैसे इसको ढूंढूँ, किसको ढूंढूँ, ये चोल्ट्री को। इसका मतलब है कि एस के बाद पी आए, ठीक है, एस के बाद तुरंत पी आए। तो अब देखो, मोहनलाल का ट्रेन वॉज लेट, अभी मैं थोड़ा इसको हटा देती हूँ, अच्छे से रब कर दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। हाँ, ये आंसर पिक किया मैंने, क्यों, पहले तो मोहनलाल का ट्रेन लेट था और इट रीच्ड कोलकाता, ठीक है, वो उसकी पहली यात्रा थी कोलकाता की, और उसको पता नहीं था ना कि कहाँ जाया जाए, ही डिडंट नो वेयर टू गो। फिर उसने डिसाइड किया कि चलो अनाथालय धर्मशाला चलते हैं, बट उसको समझ नहीं आ रहा कि धर्मशाला कहाँ ढूंढा जाए। आंसर इज थर्ड।
थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है. देखो सेंटेंसेस एंड स्लोली सी द ऑप्शंस, सी द ऑप्शंस. हमारा ऑप्शंस दो आर से है, ठीक है, दो ऑप्शंस आर से है, एक क्यू से है और एक पी से है. एस की तरफ तो हमें जाना नहीं है क्योंकि हमारे एस ऑप्शन में है ही नहीं. देखो एंड स्लोली, एंड से सेंटेंस स्टार्ट. एंड हमारा कभी पहला हो ही नहीं सकता, एंड मतलब किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो पी तो होगा नहीं क्योंकि एंड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. ये हटा, पी हटा दी. या तो हमारा आंसर, अब ऑप्शंस देखो, एक एक ऑप्शन क्यू है और दो ऑप्शन आर से है. ओके, इसको मैं जल्दी जल्दी करवाना आपको सिखा रही हूँ. क्यू से है और आर से है. अब आप पूरा पूरा ध्यान लगा दो क्यू और आर की तरफ, क्यू और आर की तरफ ध्यान लगा. और कभी कभी क्या होता है ना कि आप फर्स्ट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप बीच से भी लिंक कर सकते हो. ठीक है, बीच से कैसे लिंक करोगे, ये देखो सेंटेंस, एक्सपीरियंसिंग और एक और वर्ड है वंस यू एक्सपीरियंशियली. यहां पे इन्होंने बोला है ना, एंड स्लोली यू रीच द पिनाकल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एक्सपीरियंसिंग ए यूनिटी विथ लाइफ. स्लोली आप सेल्फ अवेयरनेस के टॉप पे पहुंच जाते हैं और कोई चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ के साथ आप यूनाइट हो जाते हैं. और वंस यू एक्सपीरियंशली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग. पहले तो आप चीज को एक्सपीरियंस करोगे ना, पहले तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, लाइफ के साथ जुड़ रहे हो. और एक बार आप लाइफ से जुड़ जा रहे हो तो आपके बाद फिर आगे ये चीज़ होगा, तब आपको किसी को सिखाने, मोरालिटी सिखाने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब है कि पी के बाद ही आर होगा. ऑप्शंस देखना, पी के बाद ही आर होगा. एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया, पी के बाद मैंने आर क्यों लगाया. पहला तो आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करोगे ना, किसी चीज़ के एक्सपीरियंस होने की बात हो रही है, और एक बार जब आप वो एक्सपीरियंस कर लेते हो तो आगे कुछ हो रहा है. तो ये डिसाइड करना है कि पहले पी ही आएगा उसके बाद आर आएगा. ये तो हट गया, देखो पी के बाद ही आर आएगा, लेकिन लेकिन यहाँ आर के बाद पी है, यहाँ भी आर के बाद पी है, यहाँ पी के बाद आर है. सो दिस इज द ऑप्शन. बस याद रखना, आप बीच से भी जुड़ सकते हो, बीच से भी जुड़ सकते हो कि पी के बाद ही आर आएगा. पहले पी रखोगे उसके बाद आर. और अब आप लिंक भी कर सकते हो, इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, अगर आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हो पॉजिटिवली तो इट बिकम्स पैशन एंड लव. ठीक है, क्यों मैं बोला फिर, एंड स्लोली जब एक बार आप कर लेते हो तो आप सेल्फ अवेयरनेस के पीक पे पहुंच जाते हो, लाइफ के साथ एक यूनिटी एक्सपीरियंस करते हो. और एक बार जब ये यूनिटी एक्सपीरियंस करने लगते हो, यूनिटी का पार्ट बन जाते हो, नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरालिटी. आपको किसी को, कोई आपको नैतिकता नहीं सिखाएगा बिकॉज आपने एक्सपीरियंस कर लिया. फिर इसमें देन यू कैन डू, अगर ये सब एक बार कर लेते हो तो देन आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हो बिना गुस्सा के. ओके, थर्ड ऑप्शंस देखिए, क्यू पी आर एस. अच्छा सारा है, पी क्यू आर एस सारा है. ठीक है, पी क्यू आर एस सारा है. पहले तो हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे. ऑप्शंस को एलिमिनेट किससे करेंगे, ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट आइडल वर्शिप. ये ही कोई होगा ना, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए ही बोला गया. स्वामी दयानंद सरस्वती नाउन है, इसी के बदले प्रोनाउन आएगा. इसका मतलब है कि पहले आर आएगा फिर पी आएगा, आर के बाद ही पी आना चाहिए. आर के बाद पी आ रहा है, हाँ आर, पहले आर आएगा फिर पी. देखो लेकिन यहाँ पी के बाद आर, अब यहाँ भी चलो ठीक है, आर के बाद पी. चलो मेरे, हमारा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ना, हमारा एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. अब देखो ऑप्शन कैसे शुरू हो रहा है, एक क्यू से, ठीक है, एक क्यू से शुरू हो रहा है और एक आर है और एक एस है. अब अपने ऑप्शंस देखो कि कौन सा पहला होगा. पीपल आर, इंडिया इज अ कंट्री, किससे शुरू होगा, आर से, स्वामी दयानंद सरस्वती से भी हो सकता है, एस से, इंडिया इज अ कंट्री, क्यू से भी हो सकता है. देखो लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, पीपल आर जनरली ओपन, पीपल जनरली ओपन है और सामाजिक चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. कहाँ के लोग, इंडिया के लोग. इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो स्पिरिचुअलिज्म को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है मटेरियलिज्म से, तो इसका मतलब है पहला एस हो. ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ स्पिरिचुअलिज्म को रिस्पेक्ट किया जाता है. पीपल फिर बोला है, कहाँ के पीपल, इंडिया के पीपल,
ठीक है, इंडिया के पीपल, एस के बाद क्यू होगा, इंडिया के पीपल आर वेरी ओपन और सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और फिर एग्जाम्पल दिया स्वामी दयानंद सरस्वती, बहुत बड़े समाज सुधारक में से एक से एक थे और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई आइडल वर्शिप के लिए। तो आंसर इज दिस, ठीक है, आंसर इज दिस। चलो एक और, एक दिन में बहुत ज़्यादा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अरेंजमेंट नहीं करना है, नहीं तो फिर मन नहीं होगा करने का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आवर एम इज टू इन्वॉल्व, फॉर दैट वी नीड। देखो मुझे लिंक करना होगा ना, थोड़ा सा सेंटेंस को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब दो वर्ड एक जैसा दिखे ना, नॉट ओनली हाई स्किल्स बट हाई वैल्यूज, नॉट ओनली हाई स्किल्स हाई वैल्यूज। और यहाँ भी स्किल्ड से रिलेटेड बात हो रही है, स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो मुझे दो सेंटेंस मिल रहा है जहाँ पे स्किल यहाँ भी है, वैल्यू बेस्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है। बस आपको ये दोनों पे कंसंट्रेट करो, पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने सेंटेंसेस लेंदी दिया है, ये सब 2018 मेंस का है। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, बीच से ही आप जोड़ सकते हो, बीच से ही जोड़ सकते हो, बता रही हूँ। और यस आवर एम है ना, चलो पहले आप मुझे बताओ कि पहले पी होगा या क्यू हो, या पी क्यू होगा, मतलब दोनों में, ये दोनों में से कौन पहले आना चाहिए, कौन सा पहले आना चाहिए। फॉर दैट वी नीड पीपल, फॉर दैट मतलब उसके लिए हमें एक ऐसे लोग की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है ना जिसके पास स्किल भी हो, सिर्फ स्किल ही नहीं हो, टैलेंटेड ही नहीं हो, बट हाई वैल्यूज़ भी हो, उनके पास नैतिकता भी हो। फिर सो द नीड ऑफ द आर इज नॉट ओनली स्किल बेस्ड एजुकेशन बट ऑल्सो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। समय की मांग है कि सिर्फ स्किल बेस्ड एजुकेशन ही नहीं चाहिए, हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी चाहिए। अब दोनों सेंटेंस को देखो कि कौन पहले आएगा, ये डिसाइड कर लोगे आपका आंसर, एकदम आंसर पे पहुंच जाओ। देखो पहले इन्होंने बोला है, पहले इन्होंने बोला है समय की मांग है, समय की मांग है कि हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन ही नहीं चाहिए, वैल्यू बेस्ड वाला एजुकेशन भी चाहिए। और इस एजुकेशन के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास हाई स्किल्स ही सिर्फ नहीं हो, वैल्यूज भी हो। तो क्यू के बाद ही पी होगा। थोड़ा सेंटेंस को ध्यान से देखिए, ठीक है, क्यू के बाद ही पी होगा। समय की मांग है, समय की मांग है कि सिर्फ स्किल वाला एजुकेशन ही नहीं होना चाहिए, नैतिकता वाला एजुकेशन भी होना चाहिए। और इस एजुकेशन के लिए हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास स्किल भी हो, वैल्यूज़ भी है। तो मतलब क्यू के बाद ही पी हो, क्यू के बाद ही पी होगा। यहाँ पी के बाद क्यू गलत है, पी के बाद क्यू गलत है, पी के बाद क्यू गलत है, यहाँ क्यू के बाद ही पी आए। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब मैं लिंक कर रही हूँ, ठीक है, अब मैं लिंक कर रही हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, और हाँ ये देखो, सो द नीड, एक मिनट, पी से तो खैर एक मिनट, पी से तो ऑप्शन होगा ही नहीं। फॉर दैट का मतलब है इसके लिए, इसके लिए, फॉर दैट, इसके लिए हमें ऐसे लोग चाहिए, इसके लिए मतलब किसके लिए, किसी चीज़ के लिए ना। तो पी तो वैसे भी नहीं हो, पी तो वैसे भी नहीं होगा, पी वाला ऑप्शन हटा दिया। आवर एम इज टू इन्वॉल्व, हमारा एम है। तो अब आपके दिमाग में आएगा ना, देखो एस और क्यू में देखो कि कौन सा पहला आएगा। देखो एस में, एस और क्यू में पहले तो इन्होंने, अच्छा सो द नीड ऑफ द, सॉरी हाँ ये देखो, आर और एस को देखो। ये आर वाला मैंने पहले इसलिए रखा, ठीक है, एस को पहले नहीं डाला। पहले इन्होंने बोला है जब भी हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आता है कि कैसा एजुकेशन देना चाहिए, कैसा एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं हमारा एम, हमारा एम मतलब क्या चीज़ का एम, एजुकेशन वाला एम। हमारा एम है कि एक ऐसा सोसाइटी डेवलप होना चाहिए जो इक्वालिटी पे बिलीव करे। फिर एस बोला, ऐसा सोसाइटी होना चाहिए, अवर एम, हमारा एम, हमारा एम मतलब हमारा गोल होना चाहिए एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे सब लोग को इक्वल तरीके से माना जाए। और फॉर दैट मतलब ऐसे सोसाइटी के लिए, ठीक है, इक्वालिटी वाला सोसाइटी बनाने के लिए, ये देखो, वी नीड हाई स्किल्स। हाँ अच्छा, क्यू के बाद पी वाला ना, सॉरी एक मिनट उल्टा चली गई मैं, ये तो होगा नहीं, आर के बाद, सॉरी सो एक मिनट थर्ड वाला ही आंसर है, यही आंसर है, ये आंसर है, बता देती हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन,
क्वेश्चन दैट अराइजेस कि हमें किस टाइप ऑफ एजुकेशन यंगस्टर को देना चाहिए, ठीक है, किस टाइप ऑफ एजुकेशन होना चाहिए. तो आगे बोल रहे हैं कैसा एजुकेशन होना चाहिए, नॉट ओनली स्किल बेस्ड बट वैल्यू बेस्ड होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड भी होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, मैं इसको इस पर आ गई थी. ठीक है, नीड ऑफ द आवर, समय की मांग है, स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए. और स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए, फॉर दैट किसके लिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए हमें स्किल बेस्ड लोग चाहिए, ठीक है, हाई वैल्यूज वाले लोग. अगर ऐसा लोग होंगे ना तो हमारा सोसाइटी भी इक्वालिटी रहे. सॉरी, थर्ड ही आंसर. सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन यही था कि क्यू के बाद ही पी होगा. ठीक है, समय की मांग है स्किल बेस्ड एजुकेशन, और स्किल बेस्ड एजुकेशन के लिए स्किल वाले लोग भी चाहिए. क्यों पी, क्यू के बाद ही थर्ड ही होगा. ओके, नेक्स्ट एक और कर लेते. मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज. ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है इन द सेंस कि इसमें पहला, ठीक है, इसमें पहला और लास्ट दिया हुआ है. अब मैं इसको कैसे जोड़ूंगी, दीज एनिमल्स मतलब कौन सारे एनिमल्स, ये सारे एनिमल्स बैट वर्ड्स. इसका मतलब है कि पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा. पहले तो उन एनिमल्स का जिक्र करोगे ना, तब दीज एनिमल्स बोलोगे, तो क्यू के बाद ही पी आएगा, क्यू के बाद पी, पर यहाँ तो पी के बाद क्यू, ठीक है, यहाँ भी पी के बाद क्यू, यहाँ क्यू के बाद पी. अब या तो आंसर फर्स्ट होगा या तो आंसर फोर्थ होगा. चलिए आंसर देखिए, कौन सा लिंक होगा, एस होगा या आर होगा. ठीक है, हमारा आंसर एस है या आर है. सेंटेंस आप देखो कि फर्स्ट वाला, इसमें ये थोड़ा सा अलग है, वो तो मैंने पी क्यू आर एस करवाया, ये थोड़ा सा अलग है. इसमें फर्स्ट और लास्ट दिया है, बीच का लिंक करना है. और एक चीज और करना है, हाँ, एक चीज और आप इसमें आपको देखने को मिलेगा, लास्ट से भी आप लिंक कर सकते हो. दिस इज अ नेचुरल सोल्यूशन. ये एक नेचुरल मॉस्किटोज को मारने का नेचुरल सोल्यूशन क्या है, कि इन एनिमल्स को उन जगह पे ले आना ना जहाँ मॉस्किटोज रहते हैं, तो अंत वाला पी होगा. खैर, दोनों में अंत वाला पी है. आप डिसाइड करो कि पहले आर होगा या एस होगा. पहले देखो, पहला सेंटेंस देखो, एंड बेटर वेज टू, मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज. साइंटिस्ट बहुत सारे तरीके पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे बेटर वेज पे काम कर रहे हैं, बट देर इज नो श्योर वे. ये लिंक हो रहा है ना, बहुत सारे वेज है, बेटर वेज, बट कोई श्योर तरीका नहीं है. मतलब एस से शुरू होगा, एस. ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है. बीच से भी आप लिंक कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड से भी लिंक कर सकते हो. ओके, तो चलो सेशन को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं ना, पहले तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको वीडियो के, जिस दिन मैं लाइव ना आ पाऊँ, जब भी वीडियोज़, रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी जाए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए. टेलीग्राम के, सॉरी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे, ओके, आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है. लिंक से जरूर, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना है, और वीडियो के नीचे जो लिंक है उसी से जुड़ना है, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं मेरे नाम पे, तो आप उसे जुड़ो, ताकि आपके पास और भी जो स्पेशल क्लासेस फ्री होता है, एवरीडे 9:30 जो क्विज आता है, वो भी आप तक पहुँचे. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.